सितारों की बारात लाई है घड़ी सुहानी। ये चांद सितारों की बारात लाई है घड़ी सुहानी। क्या बात है मेरे साथ है मेरे सपनों की रानी। बरसों सताया तूने चैन चुराया मैं आज न छोड़ू भैया। चांदनी रात का मजा आ गया भैया। बाहर तो रोशनी है, लगता है हमारे यहाँ की लाइट गई है। हाँ, ये क्या चक्कर है भाई? मैं देख कर रहा था प्रीति। लाइट आ गई भैया। तुम्हें क्या लगता है विनोद? गुड गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ, मैं अभी आया। रामकिशन जी आइए 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 आइए। मम्मी आइए। ओहो, हमरे सावरे बलम, बेटी की सगाई मुबारक हो। अरे रे रे, ये क्या कर रहे हैं रामकिशन जी? मौसी जी, आज हम आपसे आपकी बिटिया मांगने आए हैं। चलिए विनोद बाबू, मम्मी पापा आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं। मैं नहीं जा रहा मम्मी पापा के सामने। नो नो, कमाल कर रहे हैं, आज आपकी सगाई है। और आप है? अरे है? अरे छेड़िए प्रेम भैया, और छेड़िए वो फ्यूज ऑफ वाली बात। आपने तो गांव भर में ढिंडोरा पीट पीट कर फैलाई है, जो देखो हंस रहा है। सी, अरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे यार। वैसे मम्मी आपसे बहुत नाराज है, कह रही थी कि ऐसी हरकत आज तक हमारे खानदान में किसी ने नहीं की। मर गया भाईजान, कहूंगा आपका आइडिया था। मरवाएगा क्या आइडिया जी जी, बाहर इतना कहना कि लाइट बाय चांस गई थी। अरे माताओं, प्लीज प्लीज बी विद मी, आइए। अरे बाप, मम्मी लाइट बाय चांस गई थी। अच्छा, मेरा कोई कसूर नहीं था। क्यों भाईजान? मम्मी, सारा कसूर भैया और भाभी का था। इन्होंने कहा सगाई कर लो, मैंने कहा ठीक है, बुजुर्ग लोग हैं, एक काम खत्म होता है। ओ, एक काम खत्म होता है। मम्मी आइए, चल आइए। इसके सारे कारनामे सपना से सुन ली। आप तीनों भाई बिल्कुल एक जैसे हैं प्रेम भैया, एक ही दिल धड़कता है तीनों के सीनों में। जानते हैं, आज पहली बार मैंने आप दोनों भाइयों को झगड़ते हुए देखा है। साधना, जिससे हम झगड़ते हैं प्यार भी तो सबसे ज्यादा उसी को करते हैं।
मान जाओ प्रेम, इससे पहले कि मैं कमजोर पड़ जाऊं, लौट जाओ। लीजिए, छोटे साहब भी आ गए। हे प्रेम भैया, विनोद कैसा है तू? ए वन भैया, हम चाचा बनने वाले हैं। आप बड़े चाचा और हम छोटे चाचा। और लीजिए भाभी, हलवाई गली के रसगुल्ले। सबसे पहले अंकल को दीजिए, खास इनके लिए मंगवाए हैं। नहीं नहीं, आज हम नहीं खाएंगे। क्यों? बस मन नहीं है। अंकल एक भी नहीं? अच्छा ठीक है, आधा खा लेते हैं। लीजिए प्रेम भैया, यही क्या कम है, दूर रह के भी हम साथ साथ हैं। तू प्रेम से कुछ मत कहना मोमो, उससे हम बात करेंगे। That's right, मोमो, you leave him to us। लगता है आ गया। आपने मुझे बुलाया आंटी? हाँ बेटा, अरे अंदर तो आओ। हेलो प्रेम बेटा, कम इन, आओ बैठो बैठो। देख प्रेम, तेरी माँ ने जो कुछ भी किया, अच्छा या बुरा, सब तेरी और विनोद की भलाई के लिए तो किया है। माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ दांव पे लगा देती है, इसलिए तू अपनी माँ से नाराज मत होना प्रेम। मैं तो कहती हूँ मुमु ने ऐसा किया ही क्या है। ये देख प्रेम, जब से पता चला है कि साधना खुशखबरी देने वाली है, हम तो खुशियां बांटने में लगी है। कल क्लब की सारी लेडीज को हम ये साड़ियां बांट रहे हैं, और जितने भी दोस्त और रिश्तेदार हैं, उन्हें हम ये चांदी का प्रेजेंट दे रहे हैं। और क्या चाहिए? प्रेम, इतना तो कोई सगी माँ भी ना करे। मैं चलूं। प्रेम, सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा प्रेम। पहले सब यहाँ कुछ नहीं है माँ, न मैं न तुम। देखो प्रेम, विवेक भैया ने खत में क्या लिखा है। अनवर, प्रेम आज मैनेजिंग डायरेक्टर बना है, आज सारे दिन उसके साथ रहना, उसके पास रहना। रुपयों पैसों में उसने रिश्तों को कभी नहीं तोला है, उसकी सरलता को हमने हमेशा उसकी कमजोरी समझा है। दरअसल यही उसकी शक्ति है, उसे बहुत प्यार, तुम्हारा विवेक है। बेटा एक बात पूछूं, जब बड़े भाई का प्यार, बाबूजी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो अपनी कुर्सी पर क्यों नहीं बैठते बेटा, यहां क्यों? ये बड़े भैया का अधिकार है खान साहब, जब भी वे आए, जिस दिन भी, उन्हें सब वैसा का वैसा मिलेगा। ओहो मुमु, तू बिना वजह घबरा रही है, प्रेम को सब कुछ समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। डोंट वरी एट ऑल। यस डार्लिंग, वैसे जो हमने चाहा वो तो हो गया, प्रेम मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। तू तो उसके खाने की मनपसंद चीजें बना और अपने हाथों से उसे खिला। हम भी देखते हैं बेटा माँ से कब तक नाराज रहता है। अच्छा भाईजान, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ खा लेना। जी भाईजान। हाथ मुंह धोकर आ जा प्रेम, खाना तैयार है। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है।
सब तेरी पसंद की चीजें हैं प्रेम, मैंने बनाई है। थैंक यू मां, मुझे भूख नहीं। तेरा सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट करवा दिया है। कहाँ जा रहा है? अपना सामान विवेक भैया के कमरे से वापस लाने। शादी के बाद तुम्हें और प्रीति को यही रहना है प्रेम। ये तुमने सोचा भी कैसे मां? हाँ, सारा कसूर तो मेरा ही है ना, कसूर तो मेरा ही है जो मैं तुम लोगों से इतना प्यार करती हूँ, तुम लोगों की भलाई के लिए दुनिया से लड़ती हूँ। क्या मां को इतना भी हक नहीं है? हाँ पूरा हक है मां, अगर वो अपने बच्चों में फर्क ना करे तो। मैंने कोई फर्क नहीं किया, विवेक अपनी मर्जी से घर छोड़कर चला गया है। और तुमने उन्हें जाने दिया मां? कल अगर मैं सब कुछ छोड़कर इस घर से जाना चाहूं तो आप मुझे जाने दोगी? रोकोगी नहीं मुझे? बचपन से लेकर आज तक हम में से सबसे ज्यादा विवेक भैया ने आपका आदर किया है, सबसे ज्यादा आपको प्यार किया है, और आप ये सब भूल गई? याद करो मां, जिन प्रेम और विनोद के लिए आज तुम अपने आप से लड़ रही हो वे कब के हमेशा के लिए तुमसे दूर चले गए होते। अगर विवेक भैया ने बचपन में अपना हाथ गंवाकर उनकी जान नहीं बचाई होती, संगीता पे जो बीती है उसके लिए आपने ऐसे विवेक भैया को कसूरवार ठहराया। संगीता का नाम सुनते ही हमारी आंखों में पानी आ जाता है, और अनुराग बाबू का नाम सुनते ही क्रोध। लेकिन क्या हम अनुराग बाबू से कम दोषी हैं? जिन साधना भाभी को इतने प्यार से इस घर में बहू बनाकर लाई थी, उन्हें एक पल में ही पराया कर दिया, और उस वक्त जिस वक्त कि वो खुद ममता की चौखट पर बैठी है। प्रेम, ये फर्क नहीं तो और क्या है मां? सौतेलापन विवेक भैया ने नहीं, तुमने निभाया है। विवेक भैया और साधना भाभी की कोई जगह नहीं ले सकता मां, ना इस घर में, ना इस कमरे में, ना इस दिल में। प्रेम, और अगर आपकी यही शर्त है कि मुझे इस घर में रह के विवेक भैया और प्रीति को साधना भाभी की जगह लेनी पड़ेगी, तो मुझे साधना भाभी की कसम मैं शादी नहीं करूंगा।